सो हे गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामेटिक ब्रेन्स। मैं हूं नीरज सिंह और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको नाम है अरेज। सो हमारे 12th के सिलेबस में एक टॉपिक आता है C++ में जिसका नाम होता है अरेज। तो अरेज बहुत सारे लोग को डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि उनको वो डिफाइन करने नहीं आता है और बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं मालूम होता कि अरेज क्या होता है। सो सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अरेज क्या होता है, बेसिकली लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है। जैसे कि हम एक लिस्ट बनाते हैं वेजिटेबल्स का जो हमें बाय करना है, वैसे ही एक लिस्ट होता है अरेज सिमिलर आइटम्स का। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 से ये एक अरे है, मतलब एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। और सेकेंड पॉइंट में ये आता है कि अरे हम सिर्फ नंबर्स का ही नहीं, हम बहुत सारे कैरेक्टर्स का, यानी कि जैसे कि मैंने लिखा है नीचे ABCD, ये कैरेक्टर्स है, हम उसको भी कर सकते हैं। वैसे ही हम डबल यानी कि बड़े नंबर्स का भी हम कर सकते हैं अरे, और वैसे हम फ्लोट का कर सकते हैं। और ऐसे ही एक और ये जो नंबर्स होते हैं एक पैरेंथेसिस या फिर एक ब्रैकेट में एंक्लोज होते हैं एक लिस्ट की तरह। सो अरे डिफाइन करने का एक मेथड होता है, वो होता है पहले कि अरे टाइप, मतलब इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, कौन सा है वो आएगा पहले, फिर गैप, गैप के बाद आपका अरे नेम आएगा कि आपका अरे का नाम क्या है, उसके बाद आएगा कि ये कितने साइज का है, ये एक ब्रैकेट में आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपका साइज आएगा और इक्वल टू आप उसमें वापस से ब्रैकेट डाल के कर्ली ब्रैकेट डाल के आप उसका एलिमेंट्स लिख सकते हैं जो कि सेपरेट होंगे कॉमा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉमा बीच में हो, कॉमा बहुत जरूरी है यहाँ पे। और या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप अरे टाइप, अरे नेम और अरे साइज डाल के उसको आप इनिशियलाइज या फिर एक डिफाइन कर दे और उसके बाद आप उसको इनपुट कर सकते हैं वैल्यूज आप यूजर से, जो कि आज हम करने वाले हैं हमारे एग्जांपल। और स्ट्रक्चर ऑफ अरे, सो जो अरे होता है हम बोलने के लिए तो बोलने के लिस्ट होता है, बट एक्चुअली में एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर माने क्या कि आप जो भी लिस्ट के आइटम्स होंगे ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर्ड होंगे और वो लोकेशन हम ऐसा कुछ दिखता है, जैसे कि नीचे मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चार नंबर्स है। मैंने पहले डिफाइन किया, एक लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि इंट ए, और मैंने इसका लिख दिया कि फोर नंबर्स होंगे उसमें। फर्स्ट में होगा 20, 10, 30 और 40। और ये जो आपके राइट में आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे ये जो नंबर्स है 0, 1, 2, 3, इसे हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना, कि क्योंकि अगर आपको कोई भी अरे में से कोई भी एक नंबर को आप कॉल आउट करना है तो आपको इंडेक्स नंबर से ही कॉल आउट करना पड़ता है, जो कि हम देखेंगे आज। सो इंडेक्स आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि आपका इंडेक्स जो होगा, अरे जो होगा, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके करेस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स नंबर होगा वो होगा 0, उसके बाद आएगा 1, 2, 3। मतलब अगर मुझे अरे का 10th एलिमेंट को बुलाना है या कॉल आउट करना है तो उसका इंडेक्स नंबर होगा 9। सो 9th इंडेक्स नंबर पे जो मेरा एलिमेंट होगा वो होगा एक्चुअल में 10th एलिमेंट ऑफ द अरे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू अरे साइज माइनस 1। सो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि कॉल आउट करना है तो हम कैसे कॉल आउट करते हैं, ए और ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें इंडेक्स नंबर, और इससे हम सी आउट करते हैं एक्चुअली अगर हमें कॉल आउट करना है तो, हम देखेंगे आगे कैसे होता है ये। और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, ए वन ऐसा इंडेक्स अंदर लिखते हैं हम बेसिकली। सो आपको एक बेसिक सा आइडिया आ गया होगा कि अरे क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सो देखते हैं प्रोग्राम में कि इससे यूज कैसे करते हैं और उसे डिफाइन कैसे करते हैं, हम कैसे अरे को यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पे अरे से रिलेटेड, जिसमें मैं क्या करूँगा कि एक सिंपल सा एक अरे डिफाइन करूँगा और उसके बाद मैं उसमें वैल्यूज इनपुट करूँगा बाय द यूजर, मतलब मैं उसमें इनपुट करूँगा ना कि उसको डिफाइन करूँगा साइड बाय साइड। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अरे को कैसे हम कॉल आउट करते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं यूजिंग द इंडेक्स नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो, तो मेक श्योर कि आप उसको लास्ट तक देखें। इंट मेन, मैं आजकल इंट मेन ही यूज करता हूँ, वॉइड मेन नहीं, क्योंकि इंट मेन के हम बहुत ही यूज में आता है, वॉइड मेन तो हम सिर्फ लिखने के लिए लिखते हैं, बहुत ही बेसिक होता है, इसलिए इंट मेन और लास्ट में रिटर्न जीरो एक बेटर ऑप्शन है। और क्लियर स्क्रीन एज ऑलवेज, जो कि मैंने conio.h यूज किया है। और अभी मैं डिफाइन करने वाला हूँ मेरा अरे नेम अरे। सो अरे टाइप आएगा पहले इंट,
मैं जो कि मुझे एक इंटीजर नाम का एक अरे, इंटीजर टाइप का अरे यूज करना है, और मेरा नाम होगा इंटीजर अरे का ए सिंपल, फिर मैं इसको अरे लिखता हूँ पूरा, और ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा उसका साइज। फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइव फाइव एलिमेंट्स का अरे बनाना है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि ये जो फाइव है ब्रैकेट्स में, ये इंडेक्स नंबर नहीं है क्योंकि आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए आप उसका साइज है साइड में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यूजर को बोलूंगा कि आप इसमें वैल्यूज इनपुट कर दो। तो सिंपल सा एंटर दी वैल्यूज ऑफ दी अरे, अभी वैल्यू ऑफ अरे जो कि मेरे को पांच एलिमेंट चाहिए, तो मैं एक चीज ये कर सकता हूं कि मैं इसमें पांच बार सी इन ए जीरो, सी इन ए वन, ए टू, ए थ्री ऐसे लिखू। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक और मेथड है जो कि होगा लूप से यूज करके, मतलब फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू फोर, जो कि जीरो से लेके फोर तक जा रहे हैं, 0 1 2 3 4, सो वैसे फोर एलिमेंट्स हो जाएंगे आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं इसको इनपुट करूं सी इन पांच बार आए, और यहां पे मेरा जो फॉर लूप होगा वो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा कि एक सी आउट करूंगा वैल्यूज को, मतलब मैं लिखूंगा दी वैल्यूज ऑफ अरे आर एज फॉलोज, उसके बाद मैं एक एक करके जो भी मेरे वैल्यूज होंगे अरे के वो करूंगा यूजिंग दी फॉर लूप। अगेन फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू फोर, आई प्लस प्लस, और मैं लिखूंगा सी आउट ए जीरो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट मैं इन आउटपुट करना चाहता हूं पहले, उसके बाद एंड एल। या फिर मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं आई लिख दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, और हर एक एलिमेंट मेरा आउटपुट हो जाएगा एंड एल, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जाएगा हर एक आउटपुट के बाद, और रिटर्न जीरो आखिर में क्योंकि मैंने इंट मेन यूज किया है। और देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं इसमें, मैंने यहाँ पे इंट आई नहीं किया, इंट अरे। हाँ तो एक मैंने यहाँ पे क्या गलती किया कि मैंने ए लिखा, क्योंकि मैं पहले अरे का नाम ए लिख रहा था, तो मैं इसको क्या करता हूँ ए कर देता हूँ यहाँ पे। और साथ में मैंने क्या गलती किया कि मैंने आई वेरिएबल को इनपुट इंट डिफाइन ही नहीं किया, तो इंट आई भी कर देता। अभी सक्सेस है, रन करते हैं इसे और एंटर दी वैल्यूज। तो मैं कोई भी वैल्यूज डाल देता हूँ, 20, 30, 40, 50 एंड 60, फाइव वैल्यूज हो गए, और रन करते हैं ऐसे, मतलब आउटपुट देखते हैं इसका। सो मुझे जो वैल्यूज चाहिए थे वो मेरे को मुझे मिल चुके हैं, क्योंकि तो मैंने इनपुट किया वैल्यूज 20, 30, 40, 50 एंड 60, और सेम वैल्यूज मेरे को नीचे मिले हैं क्योंकि तो मैंने उसे इंडेक्स वैल्यू से कॉल आउट किया, 0 1 2 3 4 5 से, 4 से सॉरी, 0 1 2 3 4 तक, क्योंकि 20 जो होता है वो इंडेक्स नंबर 0 तक होता है। सो ऐसे ही मैंने यहाँ पे इसे कॉल आउट किया, जैसे कि फर्स्ट के लिए ए जीरो कॉल आउट हुआ, ए जीरो था 20 जो कि आउटपुट हो गया, फिर वन ए वन, 38, 2, फिर 40, ऐसे करते करते हमारे पांचों वैल्यूज आउटपुट हो गए। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बहुत ही इजी टॉपिक था अरे, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगेन अगर नहीं समझ में आया तो बहुत ही हार्ड है, क्योंकि इंडेक्स नंबर का मतलब होना बहुत जरूरी है, इंडेक्स नंबर से कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।